कभी चंडीगढ़ में स्पेशली आपने 3 लाख का कमरे के बारे में आपने सुना है? रतन टाटा जी भी मैंने सुना था कि यहाँ पे वो आकर गए थे. He also came and stayed here with us. So he was for a business meeting here, जिसकी वजह से you know हमारे साथ यहाँ रुके. क्योंकि अच्छी amenities हैं इसके अंदर. जैसे आप देख सकते हैं इसका एक बहुत बड़ा living room है. इसके साथ एक कनेक्टेड रूम और है कि अगर आप कोई चाहे तो उसको कनेक्टेड रूम ले सकता है. साथ में डाइनिंग स्पेस है इसमें. अराउंड 6-7 लोग बैठ के यहाँ पे डाइनिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं. अटैच्ड इसके साथ बेडरूम है और एक काफ़ी बड़ा वॉशरूम है. एक बटलर सर्विस मिलती है, एक इंडिविजुअल जो उनके साथ अटैच रहता है फ्रॉम द टाइम जब वो आते हैं होटल के अंदर जब तक जाते हैं. कि समर्स में या वेदर के अकॉर्डिंग किस टाइम ये ज़्यादा बुक रहता है? वीकेंड्स पे बुक रहता है या वीकडेज में बुक रहता है? सो वीकेंड्स पे तो यूजुअली ये बुक ही रहता है. और अगर हम पूरे साल की बात करें ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम. यार वॉशरूम तो वॉशरूम है जी, मतलब वॉशरूम भी लग्जीरियस है पूरा और होना बनता भी है. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो बंदा इतनी मनी स्पेंड कर रहा है तो डेफिनेटली उसको हर एक चीज़ अच्छी मिले. बिल्कुल. सो एक एक चीज़ यहाँ की चुनी जाती है बिफोर अराइवल. यू नो इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है. हेलो जी, मैं हूँ साहिल और आप सब देख रहे हैं जी News 18. आज की ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है. स्पेशल इसलिए है ना बिकॉज रूम्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे इंडिया में स्पेशली, या बहुत सारे कोस्टली होंगे भी. बट मैं चंडीगढ़ में हूँ तो मैं चंडीगढ़ की बात करूँगा और बात करूँगा जी ताज होटल की. 1 लाख का रूम, 70,000 का रूम, 1.5 लाख का रूम या 2 लाख का रूम आपने सुना होगा. बट कभी चंडीगढ़ में स्पेशली आपने 3 लाख का कमरे के बारे में आपने सुना है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना था. एक दिन का इस रूम का जो अभी मैं आपको टूर करवाऊँगा रूम टूर, उसका प्राइस है 1 नाइट का 3 लाख रुपीस. तो अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि भैया जी ज़रा आप आगे आइए और हमारी ऑडियंस को स्पेशली ये रूम टूर करवाइए. सो देखो जी, ये है जी हमारा ताज होटल का चंडीगढ़ का स्पेशल रूम और लग्जीरियस रूम. और इस रूम के अंदर मैंने स्पेशली इनको बिठाया हुआ था. मैंने कहा GM साहब आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए सो दैट हमारी ऑडियंस ये फील कर पाए कि 3 लाख के कमरे में बैठ के कैसा लगता है. वेलकम पाजी न्यूज़ 18 में. सत श्री अकाल. थैंक यू जी. सत श्री अकाल. कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया जी. एंड वेलकम टू चंडीगढ़. थैंक यू सो मच. मैं भी देख रहा था, मैंने कहा चलो जी परमवीर जी को हम बिठा के देखें और बताएं जी रिलैक्स करके कैसा लगता है. बिकॉज 3 लाख का कमरा रिलैक्स करने में हर किसी को मिलता नहीं है. बिल्कुल नहीं मिलता जी. इसीलिए यू नो हम बहुत बड़ी प्राइड लेते हैं कि बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, सेलिब्रिटीज़ एंड ब्यूरोक्रेट्स आके हमारे यहाँ इस होटल में रहते हैं, इस रूम में रहते हैं. एंड हम उनको अपनी तरफ से पूरी लग्जरी प्रोवाइड करते हैं एंड इसीलिए वो हमारे यहाँ से खुश होकर जाते हैं और हमारा नाम और रोशन होता है. यस. एंड परमवीर जी, पहले तो ये मुलाकात के लिए बड़ी खुशी है. बिकॉज हम लास्ट टाइम जब मिले थे तब उस टाइम डिस्कशन ये हुई थी कि साहिल भी हमें आपको एक टूर करवाएंगे, रूम टूर, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा लग्जीरियस रूम है. तो मैं ज़रूर चाहूँगा परमवीर जी कि हमें एक बार इस रूम की ना स्पेशलिटीज़ के बारे में प्लीज़ बता दीजिए. बिकॉज ये मेरे को रूम नहीं लगता, एक तरह का 2 BHK फ्लैट लगता है ये. बिल्कुल जी, 2 BHK से ज़्यादा और अच्छी एमिनिटीज़ हैं इसके अंदर. जैसे आप देख सकते हैं इसका एक बहुत बड़ा लिविंग रूम है. इसके साथ एक कनेक्टेड रूम और है कि अगर आप कोई चाहे तो उसको कनेक्टेड रूम ले सकता है. साथ में डाइनिंग स्पेस है इसमें. अराउंड 6-7 लोग बैठ के यहाँ पे डाइनिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं. अटैच्ड इसके साथ बेडरूम है और एक काफ़ी बड़ा वॉशरूम है. सुपर. तो अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लिविंग रूम है, 7 वाला रूम इसके साथ भी रूम है? है, बट वो एडिशनल प्राइस के साथ एक और रूम आता है. वाह, मतलब कि उसके बाद कितनी प्राइस है उसकी? उसकी 50,000 प्राइस है. मतलब कि 3,50,000 में एग्जैक्ट आपको ये रूम मिलेगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ग्रेट, टू बेडरूम. ग्रेट, ग्रेट. एंड सर, जब हम इस रूम में एंटर करते हैं तब कौन कौन सी चीज़ें इस रूम में कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं होटल की तरफ से? सो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र मिलते हैं, एक बटलर सर्विस मिलती है, एक इंडिविजुअल जो उनके साथ अटैच रहता है फ्रॉम द टाइम जब वो आते हैं होटल के अंदर जब तक जाते हैं, वो एक इंडिविजुअल उनके साथ उनकी हेल्प के लिए रहता है. कोई भी सर्विसेज चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड करता है. सो ये कुछ एडिशनल एमिनिटीज होती हैं जो साथ में. एक चीज़ और है, जिस तरीके से कस्टमर का वेलकम किया जाता है स्पेशली इस छोटे से प्यारे से है ना गिफ्ट के साथ हम कह सकते हैं, है ना, तो प्लीज़ इसके बारे में एक बताइए कि कस्टमर जब आता है तो वेलकम आपका कैसे होता है? जी ये कुछ एमिनिटीज़ हम देते हैं जिसमें लोकल डेलिकेसीज़ हैं जो आपको चंडीगढ़ की बहुत मशहूर चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर मिलेंगी, चाहे वो
पिनिया हो, चने के दाल का लड्डू हो, या कुछ नमक पारे टाइप्स हो, आमल रॉक चॉकलेट्स हो, जिसको हम रॉक गार्डन के साथ एसोसिएट करते हैं. सो ये कुछ एमिनिटीज हैं जो हम साथ में देते हैं. एंड डेफिनेटली ना, जब यू नो, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जब आप आओगे ना, जब इस रूम को आप परचेज करोगे, तो स्मेल एक होता है ना, स्मेल इसकी वाकई भाई लगता है कि स्मेल भी कॉस्टली है. बिल्कुल. हम ये हमारा एक ब्रांड स्टैंडर्ड है कि हम इस स्मेल को होटल के हर कॉर्नर के अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं. एंड लिविंग रूम के साथ ये डाइनिंग एरिया आ जाता है ना, यहाँ पे अब फूड वगैरह कुछ भी है. ये डाइनिंग एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया बटलर सर्विस साथ में होती है. सो ऑल मील्स आर सर्व्ड हियर. इफ द गेस्ट को अगर रूम में मील्स एक्सपीरियंस करनी है तो हम यहाँ वो एक्सपीरियंस देते हैं. सुपर सुपर. और वैसे मैं ना ये भी चीज़ जानना चाहता हूँ परमवीर भाजी, कि रूम कितना टाइम बुक रहता है यहाँ पे, और टूरिस्ट यहाँ पे कब है ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस रूम को लेना, या इस रूम की कुछ मैं ऐसी स्पेशलिटीज यू नो जानना चाहता हूँ जो वाकई में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अट्रैक्ट करे और वो जान पाए कि हाँ भाई ताज का जो ये रूम है ये समर्स में या वेदर के अकॉर्डिंग किस टाइम ये ज़्यादा बुक रहता है, वीकेंड्स पे बुक रहता है या वीकडेज में बुक रहता है, लोग यहाँ पे आना कितना पसंद करते हैं. सो वीकेंड्स पे तो यूजली ये बुक्ड ही रहता है, और अगर हम पूरे साल की बात करें ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम ये बुक्ड रहता है. जैसे मैंने आपको बताया है, यू नो, चंडीगढ़ एक शहर है जहाँ तीन स्टेट की गवर्नमेंट है, यूटी की, हरियाणा की, पंजाब की. सो लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट विजिट करते हैं जो इस रूम में रहना पसंद करते हैं और विजिट करना पसंद करते हैं. लाइकवाइज ब्यूरोक्रेट्स हैं, लाइकवाइज यू नो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो पंजाबी सिंगर्स हों, चाहे पंजाबी मूवीज से के स्टार्स हों, सो दे प्रेफर एंड कम एंड स्टे हियर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बिकॉज मैं ना ये जानना चाहता था भाजी कि यू नो मतलब कि 3.5 लाख ना मेरे दिमाग में घूम रहा है कि अगर मैं यहाँ से रात को रुक के जाऊँगा तो 3.5 लाख होगा, अगर कल की रात रुकूँगा तो 7 लाख हो जाएगा. जी बिल्कुल. बट आपको यू नो एवरी मिनट, हर मिनट उस प्राइस स्पेंड की यू नो वैल्यू आपको मिलती है. दैट वी इंश्योर एज ताज हॉस्पिटैलिटी. बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ ना, जब हम एंटर कर रहे हैं तो स्पेशली भाजी वॉशरूम भी लग्जीरियस है काफ़ी, है ना. तो मैं एक बार ज़रा वहाँ पे रूम भी दिखाना चाहेंगे हम अपने ऑडियंस को. तो एक बार प्लीज़ हम एक रूम की भी स्पेशलिटी आप कुछ बताएं, है ना. ये रूम नहीं हैगा जिम्मे मैं पहला कह के हिटन है कि एक फ्लैट ही लग रहा है, बिकॉज एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा एरिया बड़ा है. और अभी तो दूसरा रूम अभी ओपन नहीं किया, बट आप प्लीज़ है ना एक बार ये रूम देखो भाजी. मैं इस रूम के बारे में आपसे प्लीज़ कुछ जानना चाहूँगा. सो ये मास्टर बेडरूम है, इसका व्यू टुवर्ड्स दी रोज़ गार्डन है. एंड जब वेदर अच्छा होता है तो आप सोलन शिमला की पहाड़ियाँ भी यहाँ से देख सकते हैं. सो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. बात ये है कि पहाड़ों का भी नज़ारा ये 3 लाख के अंदर मिल जाता है आपको. बिल्कुल मिल जाता है. एंड ज़रूर भाजी, और हम जानना चाहेंगे एक बार हमें प्लीज़ ये एरिया भी दिखा दीजिए. तो प्लीज़ भाजी मेरे को, यहाँ ये वॉक इन वार्डरोब है जहाँ आपका लगेज सारा आ जाता है. एंड देन आपका लगेज ओपन करके वार्डरोब्स के अंदर रख दिया जाता है. लॉन्ड्री सर्विस, वट एवर सर्विस इज रिक्वायर्ड, वो प्रोवाइड करी जाती है यहाँ से. फर्दर अगर हम चलते हैं तो ये ड्रेसर एरिया है. सो यहाँ पे यू नो दिस इज द ड्रेसर एरिया फॉर लेडीज स्पेशली फॉर देयर मेकअप और एनीथिंग एल्स व्हिच दे कैन यूज. एंड दिस यहाँ पे आप तैयार शेयर हो सकते हो. बिल्कुल जी. एंड दिस इज अ ह्यूज बाथरूम व्हिच हैज अ वॉक इन शावर, बाथटब एंड टू वैनिटी काउंटर्स विद अदर फैसिलिटीज. मतलब कि यार वॉशरूम तो वॉशरूम भाजी, मतलब वॉशरूम भी लग्जीरियस है पूरा, और होना बनता भी है. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो बंदा इतनी मनी स्पेंड कर रहा है तो डेफिनेटली उसको हर एक चीज़ अच्छी मिले. बिल्कुल. सो एक एक चीज़ यहाँ की चुनी जाती है बिफोर अराइवल. यू नो इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है. सुपर. एंड सर मैंने एक चीज़, हम चलो बाहर आ जाते हैं अब, मैंने कैमरा कहूँगा कि बाहर आ जाएंगे. तो मैंने ना एक चीज़ सुनी भी थी सर कि मोस्टली बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आना यू नो चाहते हैं ना, भी आते भी हैं, है ना. बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं. बट स्पेशली मेरे को एक बताओ कि रतन टाटा जी भी मैंने सुना था कि यहाँ पे वो आकर गए थे. जी बिल्कुल. मिस्टर टाटा भी यहाँ पे होटल, इसको ऑलमोस्ट 19 साल हो गए ऑपरेट करते हुए हमें. और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 10-12 साल पहले ही ऑल्सो केम एंड स्टेड हियर विद अस. सो ही वॉज फॉर
फॉर अ बिजनेस मीटिंग हेयर, जिसकी वजह से यू नो हमारे साथ यहाँ रुके। क्योंकि भाई मेरे को ऐसा था कि जब भी कोई इतना बड़ा यू नो इंसान आता है, इतना बड़ा रिचेस्ट पर्सन आता है इंडिया का, है ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि डेफिनेटली ब्रांड वैल्यू को फ़र्क पड़ता पड़ता है, बिकॉज आपका ब्रांड और ज़्यादा बहुत बड़ा होता है ना। बिल्कुल जी, मिस्टर टाटा तो हमारे वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर हैं, एंड यू नो उन्हीं की वजह से हम आज इस ग्रुप में हैं और ये ग्रुप यहाँ पे है, सो हम सब की इंस्पिरेशन है। yes. जैसे आप बोल रहे थे कि हाँ बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी पॉलिटिशियंस यहाँ पे आते हैं, तो मैं वो भी जानना चाहूँगा कि लोग यहाँ पर यू नो किस टाइम पर ज़्यादा आना प्रेफर करते हैं, या सडनली जैसे क्रिकेट की टीम आती है, बिकॉज मोस्टली दे प्रेफर कि हमें 7-star 5-star होटल में स्टे करना है, हमें अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वो सब आकर यहाँ इन्जॉय करके जाते हैं। बिल्कुल जी, यही इट इज़ नीड बेस्ड एक्चुअली, सो डिपेंड्स कि अगर कोई मूवी प्रमोशन हो तो मूवी स्टार्स आते हैं, अगर कोई बिजनेस मीटिंग्स हो तो इंडस्ट्रीज आते हैं, so yes. likewise मतलब कि मैं देख रहा हूँ, मैं 3.5 lakh का कमरा अगर यू नो तुसी बुक करना हैगा ना, तुसी जरूर आप जरूर यहाँ पे आइए, बिकॉज ये रूम नहीं है, ये एक्चुअल में ना मतलब कि पेंट हाउस है एक तरह का, और जिस तरीके की स्पेशलिटीज़ इनकी तरफ से दी जा रही हैं, तो यू नो रिकमेंडेशन भाई डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं कि आप आइए और इस रूम टूर को स्पेशली इन्जॉय करिए, कि यू नो एक एक चीज़ किस तरीके से यहाँ बनाई गई है, पेंटिंग्स हो जाएँ या यू नो आपका डाइनिंग एरिया हो जाए, आपकी लॉबी हो जाए, एंड डेफिनेटली भाई इसमें यह भी रहता है कि कितने लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं इस रूम में। सो ये 2 bedroom एक बेडरूम है, सो दो मिनिमम दो लोग रह सकते हैं। ओके, मतलब ये होता है कि जिसने पार्टी वगैरह करनी है, और डेफिनेटली मैंने भी मेंशन कर रहा था, मैंने कहा एक्चुअल में ये रूम ऐसा है कि यहाँ पे आप 7 जनों की गेट टुगेदर भी कर लोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो हम यूजली इसको बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि और भी रूम्स आसपास हैं तो दे कैन गेट डिस्टर्ब्ड, बट यस हाँ अगर किसी ने अपनी बिजनेस मीटिंग्स करनी हो वो आके अपनी बिजनेस, मतलब विदाउट म्यूजिक नॉन डिस्टर्बेंस जो चीज़ें हैं, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो भाई ये रहा आपका कमरा जो कि यू नो इतना लग्जीरियस है डेफिनेटली, और भाई वाकई में ये ना एक्चुअल में यू नो तारीफ के काबिल है, बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।